कंबल ले लो, कंबल बड़े गरम कंबल। भाई साहब नया कंबल आया, सर्दी बहुत हो गई है, कंबल लेगा सस्ते में देगा। अरे जा यार जा, यार नौकरी नहीं मिल रही, तू कंबल खरीदने की बात कर। हम आ गए बहुत टेंशन में, जा यार कहीं और भेज जा। पता नहीं कैसे लोग हैं, मैं कंबल बेच रहा हूँ और ये अपने रोने रो रहा है। कंबल ले लो, कंबल कंबल ले लो, कंबल ले लो। हैरत होती है मुझे यार इन लोगों पे। क्या है भाई ने बोर्ड का फेंक दिया? भाई कहाँ चला गया बोर्ड? मैंने हर जगह देख लिया, मिल ही नहीं रहा है। जल्दी आओ समझो। अच्छा आ रही हो? कितने दूर से बोर्ड फेंकी यहाँ पर? इतनी मेहनत से यहाँ पर ढूंढ रही हूँ मैं। अंदर मैं गौर गौर से देखती हूँ, मिल जाएगा? नहीं तो नहीं है। हो सकता है यहाँ कहीं हो, मैंने तो हर जगह से देख लिया, बॉल मिल ही नहीं रही। और मैं ये सोच रही हूँ कि आवाज कहाँ से आ रही है, आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है इसके पीछे से आवाज आ रही है। चलो क्या हुआ अंकल, आप ठीक है ना? अंकल आपको कुछ हुआ तो नहीं? कैसे हुआ सब कुछ बताएं अंकल, बताएं मुझे। अंकल आपका माथा तो बहुत गर्म है, मुझे लगता है आपको सर्दी की वजह से बुखार हो गया। कोई बात नहीं अंकल, मैं अभी आपके लिए कहीं से कंबल ढूंढ के ले आती हूँ, आप फिक्र ना करें। कंबल ले लो, कंबल कंबल ले लो, कंबल ले लो, कंबल कंबल ले लो। रुको, कंबल ले लो, कंबल अरे रुक, कंबल ले लो। क्या बात है भाई? मुझे ना एक कंबल दे दे, वहां पर एक गरीब आदमी बुखार है, उसे ठंड लग रही है। अरे उसको सर्दी लग रही है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं फ्री में थोड़ी कंबल बेच रहा हूँ। अगर तुम्हें इतनी हमदर्दी है उसके साथ तो पैसे दे दो और कंबल ले लो। भाई प्लीज मुझे दे देना। ऐसे कैसे दे दूं? मैं आपको पैसे दे दूंगी। बाद में कोई नहीं देता। वहां पर उसको सर्दी लग रही है, मैं आपको दे दूंगी ना, मैं सच कह रही हूँ, उसकी जान बचानी है वरना वो सर्दी से मर जाएगा। ये मेरे साथ ड्रामेबाजी कर रही है। मुझे लगता है ये लड़की झूठ बोल रही है, मुझे इसके फ्रेम में नहीं आना चाहिए। अरे जा, नहीं देता मैं कंबल। इसकी उम्र देखो और ड्रामे देखो। किधर लेके जा रही है? और रुक तो,
ओ मेरा कंबल, ओ मेरा कंबल। ये ले अंकल कंबल ले ले, मैं अभी आपके लिए दुआएं भी लेकर आऊंगी। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ज़म्ज़म, एक बॉल ही तो लेने गई थी, पता नहीं किधर चली गई है। ज़म्ज़म भाई, ज़म्ज़म, ज़म्ज़म आप यहाँ? ज़म्ज़म आपको एक बॉल लेने भेजा था, देखो क्या टाइम हो गया, इतनी देर लगा दी, और आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? भाई मैं आपको ये सब कुछ बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ आपके पास पैसे हैं? हाँ हाँ पैसे तो मेरे पास हैं। क्यों, खैरियत तो है? भाई मैंने ये पैसे इस कंबल वाले को देने हैं, मैंने इससे कंबल लिया था। कंबल? पर कंबल क्यों, घर पे तो पड़े हुए है ना कंबल? भाई इस ट्रक वाले को सर्दी से बुखार हो गया था, इसलिए मैंने कंबल लिया था, अगर मैं उसे कंबल ना देती तो वो सर्दी से मर जाता। ऐसा क्या? ज़म्ज़म ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने, ऐसा करते हैं उसको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। आओ पहले उन भाई को पैसे दे दे। ये ले भाई आपके पैसे। नहीं भाई मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। यहाँ पे कई लोग हमें ऐसे ही धोखा देते हैं, तो मुझे लगा ये बच्ची भी धोखा दे रही है, मगर नहीं ये बच्ची तो सच बोल रही थी। ये मुझे नहीं चाहिए, रख लो, मुझे माफ कर देना मेरी बहन, मैंने आपको गलत समझा। जरूरी नहीं कि जो आप सोचें वही सच है। और अपने इस भाई के लिए दुआ करना। हम उन अंकल को डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। आओ। हाँ भाई चलो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुधीर फ्रॉम दुबई। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल लाइक दबाना मत भूलना। बाय बाय। याद रखिएगा हमें अपनी दुआओं में, याद रखिएगा हमें। क्या हो रहा है मूसा? ज़म्ज़म ये मेरी जूती से कांटे निकल रहे हैं, पापा की जूती। हां जी ये जो रेत है ना यहां की, इसके अंदर कांटे बहुत सारे हैं, आप ये देखें, ये देखें, ये वाले इस में, हां दिखाएं, ये देखें, हाय हाय कितने कांटे चुभ गए। हां जी ये किसके पांव के? शुक्र है पांव के अंदर है, शुक्र शुक्र है पांव के अंदर है कि ये पांव तक नहीं पहुंचे। जरूर जरूर। अच्छा ये जूती फ्री है, ये आप ज़म्ज़म के जूते भी थे। हां जी ये देखो मुसा, आपने भी देख लो, हम भी देख। नहीं नहीं मैंने नहीं है, मैंने देख लिया। क्यों बिलाल? अब आपने भी देख लें, आपने भी देख लें, आपने भी देख लिया। देखा वीडियो बनाना इतना आसान नहीं, कांटों से चल के आना पड़ता है। अपनी जूते में भी नहीं होंगे ऐसे ही है मुसा? हाँ जी बिल्कुल।